वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। आज से देवाशीष अवस्थी। आज आपके सामने 2 मिनट सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक हम लेंगे दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, देखिए जीडीपी कैलकुलेट किस में किया जाता है ये आपका रखना है। जो याद है गुड्स या सर्विसेज का फाइनल प्रोडक्ट होता है उस पर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार खरीदी, कार का फाइनल कॉस्ट है 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज जो है वो होगा जीडीपी में काउंट होगा। रिमेंबर, तो मतलब इट इज काउंट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल पे नहीं, कार बनाने पे भी जो कॉस्ट लगा वो सब नहीं। याद है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उस पर जीडीपी कैलकुलेट होता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी, ये भी याद रखना है। तीसरा याद रखिएगा, जीडीपी कैलकुलेट किस एरिया में किया जाता है। जैसे लेट अस सपोज ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी बना रही हो चाहे फॉरेन कंपनी बना रही हो, बट इंडिया की बाउंड्री में बन रहे हैं तो जीडीपी में काउंट होंगे। कहने का मतलब ऐसे सारे मैटर जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कौन इसे प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीडीपी में काउंट होगा। विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, दैट वुड बी काउंटेड इन जीडीपी। ओके, तो ये आपको रखना है व्हाट इज ए जीडीपी। आई होप आपको जीडीपी समझ में आया होगा। अब देखिए जीडीपी में ही अगला टर्म आ रहा है, दैट इज जीएनपी। डोमेस्टिक की जगह मैंने वर्ड यूज कर दिया, पहले जीडीपी था अब जीएनपी कर दिया। डोमेस्टिक की जगह क्या आ गया है, नेशनल। जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी का फॉर्मूला देख लीजिए, दैट इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखिए एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, प्लस कर दिया इसमें। अब ये क्या होता है, लेट अस सपोज, याद रखिए इंडियंस जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको ये कैलकुलेट करने का, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करने का। लेट अस सपोज इंडियंस जो है वो फॉरेन अब्रॉड में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, और वहां से 10 रुपए कमाते हैं। मैं एक एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, कितने रुपए कमाते हैं आज सिटीजन जो है अब्रॉड से, टोटल 10 रुपीज कमाते हैं। और जो फॉरनर्स इंडिया में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कमाते हैं कितना, 30 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 30 रुपीज कमाते हैं, तो जितना हम कमा रहे हैं माइनस जितना फॉरनर्स इंडिया से कमा रहे हैं, उसको अगर माइनस करोगे तो आपको आएगा -20। मतलब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, -20। मतलब यहां पर अगर हम ऐड करेंगे तो जीएनपी को जीडीपी -20 हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो जीएनपी जीडीपी से ये, मतलब लेकिन ये हम चाहते हैं पॉजिटिव आए। पॉजिटिव कैसे आ सकता है, पॉजिटिव ऐसे आ सकता है कि हमारे लोग जो बाहर अर्न कर रहे हैं वो ज्यादा अर्न करें, ठीक है, और यहां जो अर्न कर रहे हैं वो कंपेयर टू हम जितना अर्न कर रहे हैं उससे कम अर्न करें। मतलब ये हो जाए 30 फॉर एग्जाम्पल, ये हो जाए 10, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि नेट फैक्टर ऑफ इनकम अब्रॉड जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो जीएनपी क्या हो गया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। तीसरा जो होता है, अब जीडीपी तो जो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहां पर मैंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो रहने दिया, बट जी का जो ग्रॉस था उसको नेट कर दिया। अब क्या होगा, एनडीपी क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए जीडीपी जो होगा उसमें आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, तो आपका एनडीपी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब, लेट अस सपोज मैंने कोई कार खरीदी 6 लाख रुपीज की, आपको ही पता है एक दो साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 6 लाख से फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपीज हो जाएगी। ओके, तो मतलब क्या हो गया, कुछ टाइम बाद वो वैल्यू क्या, जो गुड्स रहते हैं, फॉर गुड्स और सर्विसेज रहती है, उनकी क्या होती है, चीजें डेप्रिशिएट करती है। रिमेंबर, तो लेकिन जीडीपी किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम फाइनल प्रोडक्ट के कॉस्ट पर, मतलब 6 लाख पर, बट वो एक्चुअली में क्या हो गया, 2 लाख रुपए डेप्रिशिएट कर गया, वो आप ऐड कर रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए आपको। इसलिए जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगा वो माइनस कर दिया जाएगा जीडीपी में, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में आते हैं, दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आप देखिए जीडीपी से कंपेयर करें तो जीबी चेंज कर दिया इस बार आपने, डी से एनबी कर दिया, दोनों कर दिया। तो दोनों किया तो क्या होगा फॉर्मूला, एनएनपी में इक्वल्स टू जीडीपी, पहले आपने नेशनल कर दिया है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस आपने ग्रॉस किया कि नेट कर दिया तो माइनस डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल जो पिछले अपन ने किया था उसी को का अगर हम एक्यूमुलेट टोटल बता दें तो ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, एनएनपी को जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, दैट इज मार्केट प्राइस क्या होता है। लेट अस सपोज मार्केट प्राइस, ये पेन है, इसका मार्केट प्राइस फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज आपको पता चल गया कि ये 20 रुपए का मिल रहा है। एक्चुअली बनता कैसे, देखिए मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, इसको लेट अस सपोज बनाने में, इस पेन को बनाने में 15 रुपीज लगे। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया 15 रुपीज, प्लस लेट अस सपोज सरकार इसमें 7 रुपीज टैक्सेस ले रही है, ठीक है,
15+7। अब सरकार ने कहा इसको मैं चाहता हूँ मार्केट में ये मार्केट में ये सिर्फ 20 रुपीज़ का बिके। सरकार 2 रुपये सब्सिडी भी दे रही है कंपनीज को, इसमें क्या हो मार्केट में इसका कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 15+7-2 तो कितना आएगा 20 रुपीज़, इसलिए मार्केट में आपको 20 रुपीज़ का मिल रहा है, दैट इज मार्केट प्राइस। ओके, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने को बोलूँ तो आप इसको इधर साइड ले जाइएगा, तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं फैक्टर कॉस्ट का, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए याद रखिएगा, एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाए तो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ये आपको याद रखना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो लेट अस कैलकुलेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल ये लिखा हुआ है, इसी के इस दोनों को ही ऐड करके अपन फॉर्मूला बनाते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, रिमेंबर, ठीक है, प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन फिर माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ओके, तो ये आपका हो गया नेशनल इनकम का फॉर्मूला, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चलिए इसका कंक्लूजन हम एक बार कंक्लूड कर देते हैं, एक बार वापस एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या मैंने बताया। जीडीपी में मैंने आपको बताया डोमेस्टिक से डी से अगर आप एन कर रहे हो, डोमेस्टिक से नेशनल कर रहे हो, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। अगर आप जीडीपी से एनडीपी करो, मतलब जी से एन बस चेंज करो, रिमेंबर, तो आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप जीडीप का दोनों चेंज करो, जीडी मतलब जी की एन कर रहे हो, डी की नेशनल करो, एनएनपी बना रहे हो, तो आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा और माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, एनएनपी, रिमेंबर। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत जल्दी से इन चारों में डिफरेंस आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लस अगर आप डिटेल में लेक्चर चाह रहे हो, याद रखिए आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज को प्री प्लस मेंस प्लस पर्सनल गाइडेंस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे किस तरह प्रिपरेशन की जाएगी। इवन आप वर्किंग होंगे तब भी हम आपका टाइम टेबल शेड्यूल सब कुछ आपको बनाने में हेल्प करेंगे, और एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे क्रैक करें उसमें आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको सिर्फ नोट्स की जरूरत है तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत नोट्स को ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स पसंद आए तो ही ऑर्डर करिएगा। ओके, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, बहुत जल्दी से हमने टॉपिक समझा दिया आपको। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को एटलीस्ट शेयर करें, इसमें ये मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जा सके। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।